Okay, so we are starting with program cell death. Okay, so program cell death is also known as, yes, Rutuja, but Apoptosis. yes, correct. Yes, correct. Dono, I think Arpana ne bhi sahi same answer diya. So it is called as apoptosis. So basically, cell is being also programmed to live and die. ठीक है, right? तो सेल सेल के पास ऐसे प्रोग्राम रहते हैं. अभी सेल के पास मेन प्रोग्राम क्या है कि उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना, राइट? बट देर आर ऑल्सो प्रोग्राम वेर इन सेल विल डाई ऑफ. क्यों डाई, क्यों कर, क्यों मर रहा है? ठीक है, सॉरी. ओके, क्यों उसका डेथ क्यों हो रहा है? वो क्योंकि देर आर सम रीजंस या ड्यूरिंग जैसे आपका डेवलपमेंट में हम लोग जब पढ़ने वाले तो इट इज़ नेसेसरी. ओके, इट इज़ नेसेसरी. लाइक फॉर एग्जांपल, एग्जांपल आपका डिजिट्स है, राइट? डिजिट्स क्या है? योर फिंगर डिजिट्स है, राइट? ये थोड़ा मैंने हॉरर मूवी के हिसाब से बनाया. ओके, ठीक है. तो दीज आर सेपरेट, राइट? ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है. क्यों सेपरेट है? कितने बनाए मैंने? चार बनाए. ओके, ये सेपरेट है. क्यों सेपरेट है? क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये जो डिजिट्स को जो ये क्या था, पूरा का पूरा एक ऐसा, मैं बोल सकता हूँ ऐसा था. ठीक है, ऐसा था हैंड. ओके, सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो इसके बीच में जो सेल्स से उनको उनको डाई डाई ऑफ होना पड़ा ताकि आपके जो फिंगर्स है वो सेपरेट हो सके. समझ रहे? यस नो बता दो मुझे. देखो आपके ऐसे, अगर आप सोचो आपके हैंड में जो ये फिंगर्स है अगर वो चिपके रहते तो आपका काम इफिशेंटली हो पाता क्या? नहीं हो पाता, राइट? है ना, अगर वो चिपके रहते तो. ओरिजिनली वो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, वो चिपके रहते हैं. ठीक है, अभी उनके बीच में जो सेल्स है उनको जो जोड़ के रखा हुआ जो सेल्स है अगर उनका डेथ हो जाए, हाँ, इफ इफ दीज सेल्स डाई ऑफ, ये जो मैं दूसरे कलर से इसको कर देता हूँ, इनके बीच में जो सेल्स है अगर उनका डेथ हो जाता है तब जाके आपको ऐसे फिंगर्स मिलते हैं. एंड डेट टू सेपरेट सेपरेट या मतलब ये इतना सेपरेट होगा. ठीक है, ऐसा इतना सेपरेट होगा. तो ये सेपरेट है इसके से, इससे, इससे और इस. ठीक है, होपफुली समझ रहा है. यस नो बता दो मुझे. ठीक है, समझाइए. तो प्रोग्राम सेल डेथ इज इम्पोर्टेंट. और जैसे फॉर एग्जांपल आपका इफ यू सी टैडपोल, ठीक है, तो उसको टेल रहता है. ठीक है, टैडपोल को टेल रहता है. एंड अगर आप फ्रॉग देखोगे, मेच्योर फ्रॉग देखोगे, दे डोंट हैव दैट टेल क्योंकि वो लॉस हो जाता. एंड दैट लॉस इज ड्यू टू प्रोग्राम सेल डेथ. यस समझ रहा है? यस नो मैसेज करो फटाफट. यस यस बाकी लोग, ममता, श्रुति. यस सर, समझा. ओके, ठीक. ओके, सो ये दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स बट इट इज नेसेसरी. ठीक है, कि अगर आपका इधर फॉर एग्जांपल अगर ये आपका इधर सेल का डेथ नहीं होता तो आपको ऐसे हैंड रहता वो ऐसा मिलता. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इधर ये फिंगर डेथ नहीं हुए तो आपको फिजिकली सेपरेट करना पड़ता, मतलब एज ड्यू यूजिंग ऑपरेशंस, और आपको ऐसे ही रखना पड़ता सिंपल. ठीक है, जिनके पास ऑपरेशन के मन नहीं रहेगा वो ऐसे ही रखते हैं. सो आपका चारों उंगली या पांचों उंगली चिपकी रहती. ठीक, सो इट इज़ नेसेसरी. एंड हम लोग देखेंगे क्यों नेसेसरी है ड्यूरिंग डेवलपमेंट. और भी चीज़ें ऐसे ज़रूरी नहीं खाली अनलिमिटेड तक है. ठीक है, ऑब्वियसली जो सेल डेथ है इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर लाइफ. जो जो सेल ग्रो कर मतलब बॉर्न होता है वो उसका डेथ भी होता है. ठीक है,
अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जैसे हम लोग सेल्स देखते तो उनका लिमिटेड टाइम स्पैन रहता है, ठीक है। एंड बिकॉज उनका जो क्या बोलते हैं, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन्स है, तो उनका जो हर सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है, इट कैन, अगर हम लोग उसको पसाज करने जाए या सब कल्चरिंग करने जाए इन एटीसी, यूजिंग एटीसी, तो इट विल ग्रो अप फ्रॉम 70 to 100 जनरेशन, ठीक है। आपका 88 सॉरी 80 to 100 जनरेशन तक ग्रो करेगा, एंड देन इट विल नो लॉन्गर ग्रो, ठीक है। ये आपने इसमें एटीसी के अंदर पढ़ा रहेगा। इन कंपैरिजन टू कैंसर सेल्स वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन देते हैं, ठीक है। सो इधर भी आपका डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मल सेल्स 80 to 100 जनरेशन ग्रो होते हैं, एंड देन दे डाई ऑफ, प्रोग्राम सेल डेथ रहते हैं। एंड आपका जो कैंसर सेल रहते हैं उनमें प्रोग्राम सेल डेथ नहीं फंक्शन करता, दैट्स वाई वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है इन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स विल फॉलो प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, या एपोप्टोसिस, ठीक है। ओके, एंड सेल डेथ ऐसे नॉर्मल होता है, ठीक है, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक बता दिया आपको फिंगर्स का, तो दूसरा एग्जांपल मैंने टैडपोल का भी बताया था। तो इधर क्या, डिसअपीयरेंस ऑफ टैडपोल्स टेल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं आपका जो इधर जो मैंने एक एग्जांपल बताया था, राइट, तो उसका टेल लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एंड कॉज रिमूवल ऑफ टिश्यूज, सॉरी, रिमूवल ऑफ टिश्यूज बिटवीन डिजिट्स टू प्रोड्यूस ह्यूमन हैंड, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। फिंगर्स के बीच में आपके जो टिश्यूज रहते हैं वो रहते हैं, अगर आप वो टिश्यूज नहीं रिमूव हुआ था तो आपका हैंड एक ऐसा ही रहता, ऐसा रहता, ठीक, तो कार्टून टाइप हो जाता। ओके चलो आगे। अच्छा, ये हम लोगों ने एक फिश के बारे में पढ़ा था, राइट, कौन सा फिश था वो, इधर इधर एक फिश के बारे में पढ़ा था, राइट, ये, और हम लोगों ने बोला था कि इसके पास आईज का ग्रूव्स है, बट आईज मतलब ये देख नहीं सकता, क्यों नहीं देख सकता, ये ब्लाइंड क्यों है, यस, क्योंकि इसमें भी हाँ यस बोलो, उसने कभी आइस के जीन यूज करने को उसको मिला नहीं, वो जिस केव में रहता है वो जीन्स अपने आप सप्रेस हो गए। हाँ सप्रेस, अभी सप्रेस कैसे हुए, इट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो डेवलपमेंट में आपका ये जो आई लेंस के जो जीन्स थे, आई लेंस का जो सेल्स थे वो उसका पीसीडी हुआ, ठीक है। आई लेंस के जो सेल्स थे उनका पीसीडी हुआ, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ हुआ। ये समझ रहे है, ऊपर से जा रहा है, बाउंसर जा रहा है, बता दो मुझे फटाफट, यस नो, यस, प्रोग्राम सेल डेथ हुआ है जो आई लेंस का। ऑब्वियसली दीज आर कंट्रोल्ड बाय दीज सिग्नलिंग पाथवेज, दैट्स वाई सिग्नलिंग पाथवेज में बहुत जबरदस्त रोल रिसर्च चल रहा है। एंड दिस सिग्नलिंग पाथवे कैन कमांड कि विच सेल्स विल डाई ऑफ, विच सेल्स विल बिकम, विच सेल्स विल बी नॉर्मल, ठीक है। और अगर इसमें सिग्नलिंग पाथवेज में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है, इवन वन मॉलिक्यूल का चेंज आता है, इट मे लीड टू कैंसर फॉर्मेशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, इधर ये हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, सो इसमें वही दिया, डेथ ऑफ लेंस सेल कॉसेस एब्सेंस ऑफ आई इन ब्लाइंड केव फिश, जो हम लोग ने
फर्स्ट एग्जांपल जो डेवलपमेंट में देखा। ओके और एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई सम सेल्स वांट टू बिकम कैंसरस, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी, अगर जैसे कैंसर का भी होता, कैंसर का भी होता, सेल कैंसरस का भी होता है व्हेन इट इज एक्वायरिंग म्यूटेशन, राइट, म्यूटेशंस एक्वायर कर रहा है एंड इतना सारे म्यूटेशंस हो गए कि इट विल बिकम कैंसरस, राइट। तो ऐसे सेल्स भी इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कैंसर इट विल डाई ऑफ, अगर रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो इट विल डाई ऑफ, या पीसीडी, अपोप्टोसिस, जो भी। ओके, तो जो सेल्स है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डेंजरस टू इट्स ओन बॉडी इट विल बेसिकली डाई, ठीक है। ओके, तो ये एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी के पास जो सिस्टम है या ईच एंड एवरी सेल के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि इट विल डाई ऑफ, तो इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोला गया या एपोप्टोसिस बोला गया, राइट, समझ रहे। तो अगर कंट्रोल में नहीं है म्यूटेशन तो सेल विल डिसाइड टू गो फॉर सुसाइड, ठीक है। ओके, इसको सुसाइड जीन्स भी बोले जाते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो सेल डेथ कौन इनिशिएट कर रहा है? सेल ही खुद इनिशिएट करेगा और कोई उसको इनिशिएट करके नहीं देगा, ठीक है, तो इसको सेल सुसाइड भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो इट इट कम्स विद इन सेल्स के अंदर से आता है कि द मैकेनिज्म या जो फुल्ली फंक्शनल मैकेनिज्म्स आर नॉट वर्किंग एनी मोर बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस, दैट्स व्हाई इट विल गो फॉर सेल डेथ, ठीक है। ओके, अभी ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मुझे इधर आना पड़ेगा। ओके, देर आर सम प्रोटीन्स, और इधर आपको जो जब भी मैं थोड़ा सा सुपरफिशियली पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आपको इधर पढ़ना पड़ेगा, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स कॉल्ड एस कैस्पेसिस, कैस्पेस, ओके, ठीक है। ओके, तो कैस्पेस या बहुत सारे रहेंगे तो कैस्पेसिस, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपका प्री फॉर्म में रहता है, प्री फॉर्म में रहता है, राइट, प्रो, सॉरी, प्रो, प्रो कैस्पेसिस, कैस्पेस, सॉरी, प्रो कैस्पेस, ठीक है, प्रो कैस्पेस फॉर्म में रहता है। सबको दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यस, यस सर। ओके। सो दिस प्रोटीन इज इन फॉर्म ऑफ प्रो कैस्पेस, सो बेसिकली दिस प्रोटीन इज नॉन फंक्शनल, ठीक है, अभी के लिए नॉन फंक्शनल, ओके, यस, मैं ऑडिबल एवरीवन, यस सर। ओके, ठीक है। सो प्रो कैस्पेस इज नॉन फंक्शनल अंटिल एंड अनलेस देर इज सम काइंड ऑफ क्लीवेज, ठीक है। तो ये प्रो कैस्पेस को एक्टिवेट करने के लिए जो कुछ प्रोटीन्स है उसको निकाला जाता है या इसको डिग्रेड किया जाता है, ओके, एंड इसको इनएक्टिव फॉर्म से या नॉन फंक्शनल फॉर्म से फंक्शनल फॉर्म पे लेके जाते हैं इसको कैस्पेस। नाउ दिस इज अ फुल्ली फंक्शनल एंजाइम, फुल्ली फंक्शनल या एक्टिव भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, अभी ये क्या करेगा, ऐसे कैस्पेस दूसरे प्रो कैस्पेस को एक्टिवेट करते हैं, समझ रहा है, यस नो बता दो मुझे। सो वंस अ मॉलिक्यूल प्रो कैस्पेस बिकम कैस्पेस, ठीक है, ये एक्टिव हो जाता है, तो ये दूसरे जो नॉन फंक्शनल या इनएक्टिव प्रो कैस्पेस है उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। होपफुली समझ रहा है, यस नो बता दो मुझे, अगर रिपीट चाहिए रहेगा तो, एंड दैट इज,
यस अर्पणा ऋतुजा, सो बेसिकली ये तीनों मिथाइलेशन की तरह काम करता है क्या? इनिशिएट मतलब एक में है दोबारा ऐसा? सो बेसिकली देयर आर मेनी काइंड ऑफ कैस्पेज मॉलिक्यूल, मेनी काइंड ऑफ कैस्पेज मॉलिक्यूल, राइट। तो ये क्या करता है, जैसे एक एक्टिवेट हुआ, फिर ये दूसरे कैस्पेज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट मतलब कैस्पेज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली ये दूसरा प्रो कैस्पेज रहे। अब आई थिंक 1, 2, 3, 9 तक रहता है, तो एक बार चेक कर लेना उसको। मैं आई एम टॉकिंग इन एन सुपरफिशियली, क्योंकि ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो मैं डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, नॉट इन मैकेनिज्म ऑफ प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, यस ओके। सो सो वन कैस्पेज, एक्टिव कैस्पेज विल एक्टिवेट अदर कैस्पेज मॉलिक्यूल्स, जितने भी रहेंगे उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अभी एक आप बोल रहे हो कैस्पेज दूसरे कैस्पेज को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म पे लेके आ जा रहा है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है? तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है? अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है? तो इसमें दे रखे काफी इजी। ओके, सो इसमें दे रखा है, व्हेन वन कैस्पेज इज एक्टिवेटेड इट लीव्स अदर प्रो कैस्पेसेस एंड ट्रिगर इवन मोर कैस्पेस एक्टिविटी, मतलब बहुत सारे कैस्पेस एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एंड दीज आर बेसिकली सुसाइड जीन्स। ओके, ये सुसाइड जीन्स हैं और ये सुसाइड प्रोटीन्स जो भी है बनाएंगे। तो आगे चलते हैं। अभी तो इसेंशियली कैस्पेस का अल्टीमेट फंक्शन क्या है? तो अल्टीमेट जो फंक्शन है कैस्पेस का, ये है कि जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स, इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है, इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है, किसके कौन से प्रोटीन्स है, जो सेल को मेंटेन करने में, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने में मेजर रोल प्ले कर रहा है, मेजर मेजर रोल कर रहा है इंटीग्रिटी मेंटेन करने में। इंटीग्रिटी मतलब अगर ये प्रोटीन्स नहीं रहेंगे तो सेल का डेथ हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कैस्पेस ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर रहे और उन प्रोटीन को लीव कर रहे या इनएक्टिवेट कर रहे बाय फिजिकल एक्शन, मतलब उसको उसको तोड़ दे रहे। ठीक है, ठीक है। तो ये कैस्पेज इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स, जैसे जो इंटीग्रिटी, सेल इंटीग्रिटी मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट है, उसको तोड़ दे रहे, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ये टूट जाए तो क्या होगा, सेल की इंटीग्रिटी बची रहेगी? यस नो बता दो मुझे, नो सेल देखना राइट? सेल की इंटीग्रिटी नहीं रहेगी ना, अब इग्नो। यस, सो एक मिनट, सेल का इंटीग्रिटी नहीं रहेगा, अब क्या होगा? तो ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करते? तो ये पहले देख लेते हैं, कौन से प्रोटीन। अब ये देखो प्रोटीन इधर दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू पिंक, चलो पिंक ले लो। ओके, तो सेल फंक्शन के एसेंशियल में जो जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं, जैसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है। दूसरा है साइटोस्केलेटन्स, साइटोस्केलेटन्स, तो साइटोस्केलेटन्स क्या हो गए, आपके ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गए जो सेल के शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन हो गए, अभी बहुत सारे आते हैं साइटोस्केलेटन के साथ और भी आते हैं, ठीक है, बट साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल। ठीक है, अगर वो साइटोस्केलेटन के प्रोटीन ही तोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, सेल का शेप बचेगा नहीं। ठीक है, इट मे क्रम्बल ऑफ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा सेल टूवर्ड्स
अगर सेल का शेप ही नहीं बचेगा तो फिर बाकी सारे प्रोटीन्स भी निकल सकते हैं, आइसोटोनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, और सेल में नॉट बी एबल टू टॉलरेट इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ओके, कैस्पेस क्या करता है, ऐसे प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट कर देता है जो कि डीएनए के फंक्शन को रोक के रखता है। ओके तो इसको समझाने के लिए इधर आ जाता हूँ। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनए का रोल क्या, डीएनए को क्लीव करना। ठीक है, अभी देर आर सम प्रोटीन्स विच ब्लॉक दी डीएनए एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिप्रेसर, मैं बोल सकता हूँ रिप्रेसर प्रोटीन है, जो कि इसको डीएनए को बाइंड किया हुआ और इसके फंक्शन को स्टॉप कर रहा है। समझ रहा है, यस नो बता दो मुझे। यस सर, सो डीएनए अभी क्या, डीएनए इज ऑल्सो नॉन फंक्शन, तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रहा है, डीएनए को जाके बाइंड करके बैठा हुआ है, एंड इट विल मेंटेन, इट विल मेक डीएनए नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब डीएनए को नॉन फंक्शनल क्यों करना है, अगर सेल हेल्दी सेल है तो इसको, इसमें डीएनए अगर एक्टिव हो जाएगा तो ये सेल का डीएनए डैमेज कर देगा, डीएनए डैमेज करेगा क्योंकि डीएनए है राइट, तो डीएनए डैमेज हो जाएगा, तो इसको इसलिए ब्लॉक किया जाता है हेल्दी सेल्स। यस समझ रहे, तो तो अभी कैस्पेस क्या करता है, अभी फॉर एग्जांपल सेल हेल्दी से ह्यूमरस बन गया है। ठीक है, और इट हैज एक्वायर्ड म्यूटेशंस राइट, तो ये क्या करेगा, आपका जो कैस्पेस है जो एक्टिव हो चुके हैं, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। ठीक है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। अब थिंग इज कि डीएनए इज नो लॉन्गर रिप्रेस्ड, समझ रहे, डीएनए इज नो लॉन्गर रिप्रेस्ड, तो कैस्पेस क्या करता है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल को ही तोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा, ये डीएनए एक्टिव हो जाएगा। ओके एक्टिव हो जाएगा, एंड जितना भी डीएनए रहेगा सेल का, जितना भी डीएनए रहेगा उसको तोड़ना चालू करेगा, डिग्रेड करना चाहिए। ठीक है, डीएनए एक्टिवेट हो गया तो समझ लो सारा का सारा डीएनए गया, एंड डीएनए नहीं रहेगा तो सेल बचेगा क्या, यस सेल बचेगा क्या, यस नो बता दो मुझे। नो सर, हाँ राइट, सो ट्यूमर सेल्स अल्टीमेटली विल डाई। ओके ठीक है, सो जरूरी नहीं कि आपका डीएनए रिपेयर होना ही चाहिए तभी सेल बच पाएगा। ठीक है, तो कभी कभी सेल का डेथ होना वो इज ऑल्सो अ बेटर चॉइस। ठीक है, इफ डीएनए इज नॉट कैन नॉट बी रिपेयर, सेल हैज टू गो फॉर सेल डेथ। ठीक है, ठीक है, सेल डेथ। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाया, इसके फंक्शंस स्टॉप नहीं हुए, मतलब सेल डाई नहीं हुआ, अगर डीएनए रिपेयर भी नहीं हुआ और सेल का डेथ भी नहीं हो रहा, मतलब इट विल बिकम ट्यूमर, सिंपल। ठीक है, मैं यूकेरियोटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में हम लोग खाली यूकेरियोट्स पे फोकस करें, एंड दैट टू मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। ओके ठीक है, इतना समझ में आया, यस नो, यस सर, यस एवरीवन। यस सर, ओके ठीक है, यही बताया मैंने। नाउ प्रोकैस्पेसेस एंड अदर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल डेथ आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड, प्रोकैस्पेसेस हमेशा बनता है। ठीक है,
अभी मैं बोल रहा हूँ प्रोकैस्पेसिस मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म पे हेल्दी सेल्स कभी एक्टिव फॉर्म बनाएगा नहीं, इट विल प्रोड्यूस ऑल इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोकैस्पेसिस। ठीक है, ठीक है, जितने भी सेल डेथ के जो प्रोटीन्स रहते हैं वो कंटिन्यूसली हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये फेल सेफ मैकेनिज्म है, मतलब अगर सेल को कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली ये सारे प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्यूमर फॉर्मेशन से बेटर है कि सेल विल डाई हो। ठीक है, तो इधर सेल के पास एवर ग्रीन 24/7 365 days ऑप्शन रहता है कि इट विल गो फॉर सुसाइड। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। खुद अगर सेल डाई हो जाता है तो वो उसका जो इफेक्ट है इट विल नॉट बी प्रेजेंट सीन इन ऑर्गन और टिश्यूज। नहीं तो एक अगर कैंसरस बन जाए ना, तो एक सेल भी अगर कैंसरस बन जाए तो इट विल इफेक्ट टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू पूरा कैंसरस बनता है, और टिश्यू कैंसरस बन गया तो पूरा का पूरा ऑर्गन, और ऑर्गन कैंसरस बन गया तो ऑर्गन सिस्टम कैंसरस हो जाता है, एंड ऑर्गन सिस्टम हो गया तो बेसिकली ह्यूमन एज अ होल। ठीक है, ठीक है, समझा? यस नो? यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। और अभी ट्रिगरिंग मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। और ट्रिगर बहुत सारे सिग्नल्स रहते हैं, एंड मैंने जैसे बताया आपको जो सिग्नलिंग पाथवेज पे सबसे ज़्यादा फोकस है, अगर आपको कैंसर लैब में वर्क करना है सो यू हैव टू हैव टू थ्री थिंग्स हैंडी। आपको पहले से बेसिक क्लियर होना चाहिए, एंड बेसिक आपका सिग्नलिंग पाथवेज पे क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको एनिमल्स हैंडल करने पड़ेंगे, एंड आपको एनिमल्स को यूथेनाइज भी करना पड़ेगा। बेसिकली यू हैव टू पुट देम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड चैम्बर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खोलना पड़ेगा, एंड देन सेल का डेथ, जो एनिमल्स का डेथ हो जाता है। देर आर ऑल्सो सम वायलेंट वेज टू किल देम, बट थिंग इज कि इट इज बेटर कि मैं अभी यूट्यूब में बंद हो जाएगा ये। ठीक है, स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है, रहने दो फिर। ये दो तीन चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी, एंड इट मे टेक मोर देन 3 to 4 years इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू एंड कम्प्लीट वन 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 मॉलिक्यूल इन सिग्नलिंग पाथवेज। एक मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए इट विल रिक्वायर मिनिमम ऑफ 3 to 4 years। एंड सिग्नलिंग पाथवेज पे ये याद रखो, इट इट हैज मैनी मैनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी तो प्राइमरीली सेल ने ये मैकेनिज्म क्यों डेवलप किया? तो वन ऑफ द रीजंस या हाइपोथेसिस ये है कि जो सेल है इट इज अटैक्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ बैक्टीरिया, बट सबसे ज़्यादा जो है अटैक, जो पोटेंट अटैक रहता है, इट इज़ बाय वायरस। जैसे फॉर एग्जांपल एचआईवी है। ठीक है, तो अगर एचआईवी अगर सेल के अंदर घुस गया है, सेल को पता चला, अभी वो डिटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है सेल के पास, बट इन लाइक इन ह्यूमन इवोल्यूशन इफ इन फ्यूचर लाइक 2000 3000 years के बाद, राइट, सेल इवॉल्व हो गए, इट कैन रिकग्नाइज एचआईवी एंड इट कैन ट्रिगर मैकेनिज्म। और जो सेल सेल के अंदर अगर एचआईवी जीन्स अंदर एंटर कर लेते तो वो सेल में ऐसे हो सकता है इन फ्यूचर लाइक 2000 5000 10000 years के बाद सेल में डिटेक्ट डैट सेल, एंड वो सेल को एपोप्टोसिस के लिए बोला जा सकता है। ठीक, ओके, सो एचआईवी का एग्जांपल दिया, बट देर आर अदर्स एग्जांपल्स आल्सो, जैसे आपके कोविड का भी है। ठीक है, जो सेल्स इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो थिंग इज कि जो एचआईवी जो सॉरी एचआईवी बोल रहा हूँ वायरस है, वो क्या करता है, एक सेल को इन्फेक्ट करता है, एंड इट प्रोड्यूसेस
मेनी प्रोजेनीज, एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ प्रोजेनीज, राइट, प्रोजेनी वायरसेस, उसको वीरियंस बोलते हैं, राइट, वीरियंस प्रोड्यूस करता है. नाउ बिफोर प्रोड्यूसिंग वीरियंस, सेल में है, सेल को क्या है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ बट आई डोंट वांट अदर्स टू बी इन्फेक्टेड, ये मेन टारगेट रहता है, ठीक है, अल्टीमेट गोल रहता है. तो क्या होता है, सेल विल गो फॉर सुसाइड मैकेनिज्म, ठीक है, सेल सुसाइड कर लेते हैं. इससे क्या होता है, आपके जो वायरस है वो पूरा कम्प्लीटली नहीं बनते, राइट, तो वो आधे अधूरे रहते हैं, तो क्लियरेंस मैकेनिज्म पूरे वायरस, जो वायरस पार्टिकल्स है उसको निकाल देगा, एक्टिव वायरस तो कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा वायरस निकल जाता है. इट इज़ इन सेम वे जैसे आपके आपको राइनो वायरस होता है. सो राइनो वायरस क्या होता है, किसी को पता है राइनो वायरस? यस, राइनो वायरस, यस, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आपको कोल्ड एंड कफ होता है नॉर्मल, आप रेनी सीजन में आपको ज़्यादा होता है, कफ एंड कोल्ड रहता है, राइट, इट इज़ कॉज बाई राइनो वायरस. एंड राइनो वायरस कितने होते हैं, राइनो वायरस के करीबन 1 लाख प्लस स्ट्रेन्स है, राइट, एंड पूरे आपके ह्यूमन लाइफ टाइम में 1000 स्ट्रेन्स विल इफेक्टिव, राइट, बट थिंग इज़ कि यू रिकवर इट फास्ट फ्रॉम दैट. सो इसमें क्या होता है, आपका मेन जो मैकेनिज्म है उसमें जो इन्फेक्टेड सेल है वो डाई ऑफ हो जाता है, ठीक है, या एक तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, प्लस आपके जो सेल्स है इन्फेक्टेड सेल्स है वो डाई ऑफ हो जाते हैं, या इट विल अंडरगो एप्रोप्टोसिस, या पीसीडी. ओके, ये समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे. यस नो, यस सर, ओके ओके. ठीक है, तो ये ऐसा प्राइमरीली ये मैकेनिज्म किसके अगेंस्ट है, इट इज टू कंट्रोल द एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरस, ठीक है, एक बार वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया सेल को तो उसको रिप्रोड्यूस करने से, उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए सेल विल गो फॉर सुसाइड, ठीक है, तो इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोला जाता है. एंड ये कैंसरस बनने से पहले भी हो सकता, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर जैसे हैवी डीएनए डैमेज हुआ, इट विल आल्सो इंड्यूस, अगर वो रिपेयर नहीं हो पाया तो इट विल इंड्यूस एपोप्टोसिस, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो सेल के अंदर जो म्यूटेटेड डीएनए है इट विल नॉट बी पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, या वो इट विल नॉट बी स्प्रेड, ठीक है, इट विल नॉट स्प्रेड, तो ये म्यूटेटेड स्ट्रेन्स को या सीक्वेंस को स्प्रेड होने से पहले ही उसको उधर ही सेल डाई हो जाता, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशंस, तो इधर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, और इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो आपका एटीपी जनरेशन नहीं होगा, ठीक, दूसरा ये चीज है कि आपका अगर जो प्रोटीन्स के प्रोटीन्स अगर मिसफोल्ड हो रहे हैं, ओके, मिसफोल्ड हो रहे हैं, एंड मिसफोल्डिंग आपका कभी होता है व्हेन यू गेट अ कोल्ड और हीट शॉक, तो मतलब जैसे आप 5 to 10 डिग्रीज प्लस में चले जाओ या माइनस में चले जाओ, यू विल स्टार्ट गेटिंग कोल्ड शॉक, ठीक, तो इनिशियली नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर 0 डिग्रीज पे विदाउट एनी प्रोटेक्शन, मतलब आपको आप नॉर्मल मुंबई वाले कपड़े पहन के अगर लद्दाख चले जाओ तो डेफिनेटली विल गेट कोल्ड शॉक, राइट, तो आपको उधर स्पेशल फिर स्वेटर्स एंड डबल ट्रिपल कोट्स पहनने पड़ते, तब जाके आपको आपका बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में रहता, राइट, सो कोल्ड शॉक एंड हीट शॉक में क्या होता है, आपको हीट शॉक में ज़्यादा देखा गया कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं होते, एंड जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं इट इज बेसिकली नॉन फंक्शनल, ठीक है, तो अगर प्रोटीन्स ही नहीं बना पा रहा है सेल्स तो क्या होता है कि जो प्रोकैस्पेसिस एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देन
सेल विल स्टिमुलेट फॉर पीसीओ. ओके ठीक है, तो ये हम लोगों ने जनरल पढ़ा. अभी डेवलपमेंट में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है. इधर आ जाते हैं, क्रिटिकल रोल, क्रिटिकल रोल इन डेवलपमेंट. ठीक है, और क्या होता है कि जो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट प्रोड्यूस जो जायगोट रहता है वो एक्सेस सेल बनाता है. ठीक है, और एपोप्टोसिस उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, अभी एपोप्टोसिस का इतना मेजर रोल है कि अगर एपोप्टोसिस को मैं निकाल दूं ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज पे तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा ही नहीं, मतलब सेल विल डाई. ठीक है, जो जायगोट रहेगा वो पहले ही का पहले डेथ हो जाएगा, उसमें आपका पूरा टिश्यू फॉर्मेशन भी नहीं दिखेगा, इतना इतना मेजर मेजर रोल प्ले कर. ठीक है, ओके. सो तो नहीं तो फिर जो ऑर्गन्स है वो आपके टेढ़े मेढ़े, जो अभी जो ऑर्गन्स है वैसे नहीं दिखते, आपको टेढ़े मेढ़े ऑर्गन्स दिखते. एंड जितने सेल्स रिक्वायर्ड है फॉर ऑर्गन फॉर्मेशन उतने ही सेल्स रखेगा, उससे एक्सेस नहीं रखेगा. ओके, तो कोई कोई केसेस में क्या होता है, होल स्ट्रक्चर डाटा क्रिएटेड आर लेटर रिमूव्ड बाय एपोप्टोसिस. जैसे क्या बोलते हैं, फ्रॉग में टेल रहता है, राइट, जब वो क्या होता है, हम लोगों ने आई थिंक देखा है पहले, राइट, फ्रॉग में टेल रहता है इतना. ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और ये टेल क्या होता है, ये इट इज लॉस्ट. एंड जब आप एडल्ट फ्रॉग देखोगे तो उसमें कोई टेल नहीं रहता, लेग्स होते हैं, ओके, बॉडी होता है, इधर लेग्स होते हैं, ठीक है, इधर हेड रहता है. ये जो टेल है ये गायब हो चुका. ओके ओके, अभी ह्यूमंस में भी मेजर रोल प्ले करना चाहिए. यस, दे आर प्लेइंग मेजर मेजर रोल. अच्छा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है, अभी ये ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है. एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, ह्यूमंस की बात कर, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में दोनों रिप्रोडक्टिव डक्ट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव डक्ट्स बनते हैं. ठीक है, नाउ इट विल डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई, बेसिकली वाई क्रोमोसोम से डिसाइड हो जाता है कि जो जायगोट रहेगा वो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, राइट. बट अर्ली ड्यूरिंग डेवलपमेंट दोनों मेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट रहेंगे, फीमेल ऑर्गन भी डेवलप होने के लिए स्टार्ट हो जाता है. बट एट द लेटर स्टेजेस, जैसे वुल्फियन डक्ट्स जो रहते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब डिग्रेड हो जाते हैं फीमेल में, एंड मुलेरियन डक्ट्स जो रहते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं मेल्स में. ठीक है, डीजेनरेट मतलब डिग्रेड हो जाते हैं. तो अगर आपको याद रखना है तो वुल्वेरियन ड्रग्स सॉरी डक्ट्स सॉरी इन वुमेन एंड मुलेरियन डक्ट्स इन मेल. या ठीक है, मेन जो भी है, तो ये डिग्रेड हो जाता है. ठीक है, आपको इजी फटाफट समझेगा याद रखने के लिए, WWMM. तो क्या होता है, वुल्फियन डक्ट्स डिग्रेड इन वुमेन, मुलेरियन डक्ट्स डिग्रेड और डीजनरेट इन मेल्स. ठीक है, ये समझा? यस सर, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने, तो ये शॉर्टकट है. ओके ओके, नेक्स्ट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन से जीन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. अब ड्रोसोफिला पे रिसर्च किया गया, बहुत ज़्यादा रिसर्च ड्रोसोफिला पे किया, राइट. एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज में काफ़ी सारे सेल डेथ होते हैं. ठीक है, अब तीन जो थ्री मेजर जीन्स है जो इन्वॉल्व रहते हैं ड्रोसोफिला पे, वो है जो कि एक्टिवेट करते हैं कैस्पेसिस को, ये है रीपर, ग्रिम एंड हेड इन्वोल्यूशन डिफेक्ट. ठीक है, इसको HID बोला गया शॉर्ट फॉर्म में. ओके, रीपर, ग्रिम, हेड इन्वोल्यूशन डिफेक्ट. ठीक है, और आपको रीपर पता है क्या होता है?
ठीक है, ये है रीपर बेसिकली, जो कार्टून्स में दिखते हैं आपको, ये वाला ठीक है, ये रीपर, ये तो इसके ऊपर रखा गया बिकॉज इट इज फोर्सिंग सेल टू डाई, ठीक है, यस। और ग्रिम का भी दिखा देता हूँ, ग्रिम ग्रिम वही है, देखो ये इट इज विद अस्कल, ठीक, ओके, ये जो भी कार्टून कैरेक्टर पे रखा रहता है ज्यादातर लोग, ओके, यस, समझा। तो ग्रेम हो गया, रिपर हो गया, एंड हेड इन्वोल्यूशन डिफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, तो अब बोलोगे कि क्या होगा अगर ये मैं तीनों जीन्स को रिमूव कर दूं, ठीक है, राइट, यस स्टूडेंट्स। सो इफ आई रिमूव ऑल दी दिस थ्री जीन्स, जो कि आपका डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एपोप्टोसिस का रोल प्ले कर रहे हैं, ओके, एंड ड्रोसोफिला में, ठीक है, तो अगर डिलीशन हुआ और मैं तीनों जीन्स को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका जो एम्ब्रियो है इट विल डाई ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, इन कोर्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस होगा ही नहीं पूरा कंप्लीट, ठीक है, और इतने सारे सेल्स मिलेंगे आपको नॉर्मल, आपको ये नहीं मिलेगा जायगोट, उसमें भर के सेल्स रहे, ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होता है आपका सेल का ये डेथ हो जाता है, ओके। और ऐसा नहीं है कि खाली उतना ही हो रहा, बहुत सारे जो दूसरे जीन्स हैं उनका भी, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं एपोप्टोसिस के, अगर प्रेजेंट नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग है, जो एपोप्टोसिस है वो मेजर मेजर रोल प्ले कर रहा है मेटामॉर्फोसिस में, राइट, जैसे आप लार्वा देखोगे और उसका फिर एडल्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेगा, एंड इट इज बिकॉज ऑफ एपोप्टोसिस, ओके। अच्छा, फ्रूट फ्लाई वापस ड्रोसोफिला में आ गए, तो उसमें बहुत बड़ा सलाइवरी ग्लैंड रहता है, ठीक है, और ये जो मेटामॉर्फोसिस में ये जो सलाइवरी ग्लैंड रहता है उसको डिग्रेड किया जाता है, ठीक है, उसको एपोप्टोसिस किया जाता है ताकि वो छोटा हो जाए, ठीक है, ओके। तो जो तो इधर हार्मोन आता है, हार्मोन कौन, हार्मोन मतलब जो इफेक्ट करता है उसके डेवलपमेंट को, तो एक डाइसोन, तो ये मेटामॉर्फोसिस को इनिशिएट करता है, एंड ये आरपीजी, रीपर एंड एचआईडी, ये जीन्स बना एक्सप्रेस करके आपका ये सलाइवरी ग्लैंड के जो सेल्स है उनको डेथ कर, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड ही मतलब ईच एंड एवरी सेल इज प्रोड्यूसिंग आरपीजी एंड एचआईडी, ओके, एक्सटर्नली कुछ नहीं आ रहा, सेल के विद इन ये सारे जीन्स है ईच एंड एवरी सेल में, और ये क्या करेंगे आरपीजी एंड एचआईडी, ये सारे के सारे दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को रोकते हैं, ठीक है। मेजर मोड ऑफ एक्शन क्या, इधर देखो, मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, ठीक है, अगर दूसरे जीन्स ही एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपका मेंटेनेंस के जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे तो सेल की इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, तो सेल विल डाई, यस, समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है, पता तो मुझे, ओके, इजी, होपफुली इजी। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस इन डिजीज, एंड ये इम्पोर्टेंट है, डिजीज बाय वायरस और डिजीज बाय अनदर थिंग, ठीक है, ओके। नाउ ठीक है, तो एपोप्टोसिस अगर सिम्टम्स ऑफ मेनी डिजीज डिसऑर्डर दैट आर कॉज्ड बाय एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस ओवर एक्टिव होने से या अंडर एक्टिव होने से, अंडर एक्टिव या एब्सेंस, उसमें डिजीज हो सकता है, ठीक है, तो एक रेगुलेटेड फॉर्म में चाहिए एपोप्टोसिस, ना कि
ओवरली काम नहीं करना चाहिए एंड अंडर अंडर परफॉर्म भी नहीं करना चाहिए. ओवर परफॉर्म भी करेगा तो प्रॉब्लम है, अंडर परफॉर्म करेगा फिर तभी भी प्रॉब्लम. ठीक है, अभी ओवर परफॉर्मेंस किधर दिखता है, तो इधर देखते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में. क्या होता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, मतलब आपका जो न्यूरॉन्स है इट इज बेसिकली वो डिग्रेड हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है. ओके, न्यूरॉन्स है आपके वो डिजेनरेट हो रहा है, और वो किधर दिखता है, पार्किंसन डिजीज जो एंड एल्जाइमर. अच्छा, इसमें ये ज़्यादातर आपके यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज में ज़्यादा देखा गया. ठीक है, इंडियंस में सबसे कम देखा गया न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, बिकॉज वी ईट स्पाइसेस जिसके वजह से ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज नहीं होता. ओके, देर आर सम मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हो सकते हैं, उसका अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं लगा. ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो कंट्रीज है दे हैव स्टार्टेड ईटिंग स्पाइसेस. अभी हल्दी का जो टर्मरिक है उसका उसको बोला गया कि उसका भी मेजर रोल है इन लिमिटिंग पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर्स, या प्रिवेंट भी कर सकता है. आपका बहुत ज़्यादा मतलब इस पे फोकस है टर्मरिक पे एंड कोकोनट ऑयल. तो लोग कोकोनट ऑयल ऐसे ही मतलब दे आर ड्रिंकिंग कोकोनट ऑयल. ठीक है, उसको उसमें ऐसा नहीं कि फ्राई करके खा रहे, उसको कोकोनट ऑयल 1 स्पून डेली दे आर इनटेकिंग इट. ओके ओके, तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूरॉन्स थ्रू एपोप्टोसिस. वो इधर क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस ओवर परफॉर्म कर रहे हैं एंड गलत जगह कर रहे हैं, न्यूरॉन्स में करना नहीं चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट डिजीज है ओवर परफॉर्म किधर कर रहा है, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स. क्या होता है, कुछ सेल्स डाई ऑफ होते हैं, ठीक है, नेक्रोसिस के थ्रू. ठीक है, बट क्या होता है जो दूसरे सेल्स उसको देखा देखी में सारे के सारे एपोप्टोसिस के अंदर जाते हैं एंड इट विल लीड टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कैंसर में. अभी इधर अंडर परफॉर्म कर रहा है. ओके, सो इसमें कैंसर इज ऑब्वियसली म्यूटेशंस के थ्रू होते हैं एंड ये कैंसर सेल्स को रेगुलेट कौन करता है, उसको लिमिट कौन करता है, एपोप्टोसिस करता है. अब इधर एपोप्टोसिस इज अंडर परफॉर्मिंग. ठीक है, तो जब वो फेल हो जाता है एपोप्टोसिस तो इट विल लीड टू नॉर्मल सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल. ठीक है, तो ये फेल हो जाता है एलिमिनेट करने में कैंसर सेल्स. यस, समझा आपको एपोप्टोसिस इन डेवलपमेंट प्रोसेस, यस नो, यस सर, यस आई थिंक इजी है. ओके, ठीक है ना, नेक्स्ट है मेटरनल इफेक्ट. ओके, मेटरनल इफेक्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हम लोग, मेटरनल इफेक्ट. हम लोगों ने मेटरनल इफेक्ट कहीं देखा है, देखा देखा सर, राइट? तो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है कि मेटरनल इफेक्ट इज प्लेइंग मेजर मेजर रोल इन डेवलपमेंट. ठीक है, और तो हम लोग का जो बॉडी एक्सेस है, राइट, बॉडी एक्सेस में क्या आता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट, डॉर्सल वेंट्रल, इसके जीन्स पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं एग में. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर अफेक्टेड बाय मेटरनल जीन्स. ठीक है, ओके, मेटरनली मेटरनल जीन्स अफेक्ट कर रहे हैं, मेजर मेजर रोल कर रहे हैं. बट इधर हम लोग बॉडी एक्सेस एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल की अभी इधर इतना बात नहीं करेंगे. वी विल टेक सम एग्जाम्पल ऑफ स्नेल, और ये समझाने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू, इंस्टेड ऑफ दिस इतना पढ़ने से डायरेक्टली वी विल गो टू एग्जाम्पल. ठीक है, तो जल्दी समझ में आएगा, आपको इतना पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, वी विल डायरेक्टली गो टू डायग्राम. सो मेटरनल इफेक्ट क्या है,
फिनोमिना इन विच फीनोटाइप, फीनोटाइप ये इंपॉर्टेंट है, फीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड नॉट बाय जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है ये याद रखो, फीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नॉट डिसाइडेड बाय जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग बट इट इज डिसाइडेड बाय मदर, ठीक है मदर का जीनोटाइप पे डिपेंडेंट है, एंड उसमें कोई भी पेरेंटल न्यूक्लियर जीनोम का कोई भी इफेक्ट नहीं, समझा ऊपर से क्या बताओ वापस। जैसे सो मैटरनल इफेक्ट में क्या हो रहा, कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या आपको? नो सर ओके ठीक है, सो मैटरनल इफेक्ट में क्या हो रहा है कि आपका, एक मिनट मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है, जस्ट तो मेटरनल इफेक्ट में क्या हो रहा है कि आपका जो मदर का जीनोटाइप है इट इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप, ठीक है तो इधर मैं आ जाता हूँ, ठीक है तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, इट इज नॉट ये एकदम मतलब एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉल है राइट, ये क्या हेट्रोजाइगट है मैक, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ओके तो आपको इधर कितने चार टाइप के, चार टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे राइट, टी टी एंड फिर ओके एम आई राइट, यस है कि नहीं, दिख रहा है सबको? यस सर अरे बाबा ये बहुत जल्दी है, ओके राइट ये दिख रहा है ना, तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी है होगा ओके। सो थिंग इज कि आप बोलोगे कि ये क्या होगा ये बताओ मुझे इसका, ये तो सारे टॉल ही रहेंगे बट ये क्या रहेगा, टॉर्स डॉर्फ रहेगा ठीक है, ये तो आपने प्रूवन है 12th से पढ़ा आपने राइट ओके। सो अगर मैं बोलूं कि मेटरनल जीन इफेक्ट आ रहा है हाइट में, हाइट में मेटरनल जीन इफेक्ट आ रहा है मतलब जो मदर का डीएनए रहेगा, मदर का जीनोटाइप रहेगा उसका इट इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर फिनोटाइप ऑफ मेल, तो इधर जो है इधर तो टॉल है बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डॉर्फ, इधर डॉर्फ के जीन्स प्रेजेंट है ये मैं मानता हूँ बट थिंग इज ये अगर ये भी टॉल रहेगा तो, ये भी टॉल रहेगा तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डॉर्फ दिस इज टॉल, तो मतलब क्या जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नॉट डिसाइडिंग फिनोटाइप, तो जो आपका जीनोटाइप है ऑफस्प्रिंग का वो डिसाइड ही नहीं कर रहा है फिनोटाइप, कौन डिसाइड कर रहा है, मदर डिसाइड कर रहा है, मदर का जीनोटाइप डिसाइड कर रहा है ना, मदर का फिनोटाइप भी नहीं है, जीनोटाइप की बात करो ठीक है, तो मदर का जीनोटाइप क्या है इट इज डिसाइडिंग टॉल, सारे के सारे टॉल रहेंगे समझ रहे, चलो इसलिए ये एग्जाम मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है मैं ऐसा नहीं बोलूँ, तो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग देख लेते हैं आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है ठीक है, तो मेटरनल इफेक्ट क्यों दिखता है और पेटरनल इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा हम लोग, फादर क्यों क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा, मदर ही क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा, क्योंकि जब एग फॉर्मेशन होता है याद रखो एग फॉर्मेशन नॉट जाइगोट, एग फॉर्मेशन के टाइम पे जो मदर से एमआरएनए निकलता है या प्रोटीन रहते हैं, ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं जो कि उस साइट में डिपॉजिट होता है ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन उस साइट में एमआरएनए या प्रोटीन एग पे जाके बैठ जाते हैं, पहले से ही बैठ जाते हैं, तो उधर फादर का कोई मेजर रोल नहीं ठीक है, तो एग में पहले से ही आपके ये एमआरएनए या प्रोटीन्स आके बैठ गए राइट,
एंड तो क्या हो रहा है, तो ये जो इसका जो फिनोटाइप रहेगा, इट इज डिसाइडेड कि ये एमआरएनए है एंड ये प्रोटीन है, तो ये इसका इट विल बी टॉल्ड और जो भी है, ठीक है, जो भी फिनोटाइप रहेगा वो इधर एमआरएनए के इनकोड कर रहा है, तो इधर पहले से डिपॉजिट होके बैठा हुआ है, ठीक है, तो पे इसका जीनोटाइप कुछ भी होने दो, इसका ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप कुछ भी होने दो, या पैटर्नल जीनोटाइप कुछ भी होने दो, मदर का जीनोटाइप, मदर का जीनोटाइप इज डिसाइडिंग फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मदर का जीनोटाइप इज डिसाइडिंग ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप, होपफुली समझ रहे, इतना नहीं समझ रहे तो विद एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, समझा इतना, यस नो बता दो, थोड़ा यस सर, मेरे को फिर और वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके थैंक यू, ओके चलो, इसमें क्या हो रहा है, और तो अगर आपका एमआरएनए या प्रोटीन पहले जाके बैठ गया उस साइट में, तो जब डेवलपमेंट होगा तो इट विल बी सो ये एमआरएनए एंड प्रोटीन मेजर रोल प्ले करेंगे, तो ये डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करेंगे, मतलब एम्ब्रियो जब डेवलप होगा इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो दिस जीन्स एमआरएनए एंड प्रोटीन्स विल बी प्लेइंग अ मेजर मेजर रोल इन डिसाइडिंग फिनोटाइप, ठीक है, तो इसको लिए इसको बोलते हैं मेटर्नल इफेक्ट जीन्स, मतलब मेटर्नल इज अफेक्टिंग फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट्स इट। अब आप बोलोगे कि सर एग्जांपल, मैं बताता हूँ एग्जांपल क्या, तो एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त है, स्नेल का एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें स्नेल है, स्ट्रेन है लिमनी पेरेग्रा, ओके, और इसका कॉइलिंग डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, कॉइलिंग डायरेक्शन, आप बोलोगे कॉइलिंग डायरेक्शन स्नेल में, हाँ स्नेल आप देखते हो स्नेल क्या कैरी करता है, क्या कैरी करता है, शेल कैरी करता है, अभी शेल का कॉइलिंग एक रहता है, हाँ कॉइलिंग कैसे रहता है हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, तो जो कॉइलिंग पैटर्न है, तो कॉइलिंग दो टाइप के पैटर्न होते हैं, या वो लेफ्ट साइडेड रहेगा, एक तो लेफ्ट सॉरी लेफ्ट साइडेड कॉइलिंग रहेगा या राइट साइडेड कॉइलिंग रहेगा, तो राइट साइडेड कॉइलिंग को डेक्स्ट्रल कॉइलिंग बोला जाता है, और लेफ्ट साइडेड कॉइलिंग कॉइलिंग को सिनेस्ट्रल कॉइलिंग बोला जाता है, ओके, तो ये जो दूसरे उसमें पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस में या उसमें बोला जाता है कि लेफ्ट हैंड इज लेफ्ट जो चीज़ें रहती है वो सिनेस्ट्रल रहती है एंड राइट इज बेसिकली सही रहता है, ओके इट इज करेक्ट करेक्ट फॉर्म, तो डेट्स वाई लेफ्ट हैंड से काफ़ी कम लोग लिखते हैं, राइट हैंड का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टाइप सिली थिंग्स, ओके, तो बोला गया कि लेफ्ट हैंड से नहीं लिखते, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो उनको क्या बोलते हैं, लेफ्ट इज योर सिनेस्ट्रल, मतलब गलत काम करेगा एंड राइट वाला हैंड सही काम करेगा, वाह है ना, तो ये बता ये है, तो मतलब मैं कौन सा ये बता रहा हूँ पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, सिनिस्ट्रल, ठीक है, ओके सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, ओके नहीं ओके, तो इधर हम लोग जो जीनोटाइप देखने वाले हैं, दो दो टाइप के एलील्स होंगे, एक तो है रहेगा या तीन, दो टाइप के एलील्स है डी एंड ये स्मॉल डी, ओके, तो स्मॉल डी इज बेसिकली फॉर सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, मतलब लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंडेड एलिक्स नहीं, लेफ्ट हैंडेड एलिक्स नहीं, लेफ्ट कॉइलिंग के लिए, एंड डी तुम्हारा, अरे भाई लेफ्ट राइट, और डी केस के लिए राइट कॉइलिंग के लिए कैपिटल डी, और ये अगर ये दोनों रहेंगे तो डोमिनेंट इज कैपिटल डी, इजी समझ रहा है, ऊपर से जा रहा बता दो मुझे, बेसिक समझा, यस सर, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ने बोला, शुभम
समुद्र और कौन है? नारायण लेट है, लेट सिद्धि ऋतिका समुद्र पायल ममता यस ओके ठीक सर, है ओके ठीक है। सो हम लोग अभी कौन से इस पे काम करने वाले? वी विल बी वर्किंग ऑन डी एंड डी ठीक है। तो अभी तीन फिनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल कैपिटल डी हाँ मतलब जीनोटाइप सॉरी, एक तो एन पे, दूसरा हो गया ये एन, तीसरा हो गया ओके। तो इट विल फॉर्म राइट, ये भी राइट बनाएगा, राइट कॉइलिंग एंड ये लेफ्ट कॉइलिंग ठीक है, लेफ्ट कॉइलिंग। अच्छा ये मदर में होना चाहिए ना कि जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग में होना चाहिए, ऑफस्प्रिंग का जो ये रहेगा वो मदर डिसाइड करेगी ठीक है। चलो इंस्टेड ऑफ ये इतना पढ़ने से अच्छा डायरेक्टली हम लोग इस पे जाते हैं फोकस। तो फोकस एरिया पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे लेफ्ट साइडेड पे फोकस करते हैं ठीक है, लेफ्ट साइडेड पे फोकस करते हैं और इधर देखते हैं। ये देखो ये मदर है क्या है? मदर इज डेक्स्ट्रल ठीक है ओके, मदर इज डेक्स्ट्रल एंड फादर इज सिनेस्ट्रल, क्योंकि हम लोग को देखना है एंड जो रिसर्च हुआ है वो इस हिसाब से ही हुआ है कि अगर दोनों भी डी डी रख कैपिटल डी रखते, दोनों भी डेक्स्ट्रल कॉइलिंग रखते तो आपको सेम रिजल्ट मिलता राइट, बट हम लोग को अलग थोड़ा सा चेक करना है कि सही है मैटरनल जीन इफेक्ट है कि नहीं ठीक है। तो इसमें क्या किया, मदर को डेक्स्ट्रल रखा एंड फादर को सिनेस्ट्रल रखा, सिनेस्ट्रल कॉइलिंग देखा ओके। ये समझ रहे? ऊपर से यार बता दो मुझे इतना समझा, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग मेटर एंड सिनेस्ट्रल कॉइलिंग यस। यस सर, तो इसको यस सर, अच्छे से तो मैं इसको राइट हैंडेड कॉइलिंग एंड सॉरी राइट कॉइलिंग एंड लेफ्ट कॉइलिंग देख लेते हैं। दिख रहा है आपको कॉइलिंग कैसे हो रहा है ऐसा, और इधर जो ये माउथ है वो राइट साइडेड राइट में है और ये जो माउथ है इसका ये लेफ्ट साइड में। अगर ऐसा याद नहीं हो रहा है तो ऐसा याद कर लो, सिंपल रहेगा ओके। अब देखो ये फादर का क्या है, ये रिसेसिव है करेक्ट एंड ये क्या डोमिनेंट, दोनों भी कैपिटल डी ओके। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव ठीक है ओके। अभी अब क्या होगा, F1 जनरेशन क्या होगा, ये होगा राइट है ना, दोनों में से एक एक डी निकला, इसमें गमीट्स नहीं दिखा है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये फ्यूजन से आपको ऐसा मिला। अभी इसका सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग पता है आप लोगों को, होपफुली आप लोग को पता है ओके। हम लोग इसको मेट करवाएंगे इसके साथ। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली इधर एक कैपिटल डी है एक स्मॉल डी है ठीक है, तो जो फीमेल है वो भी ऐसा है और मेल भी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी है ठीक है। तो अब मुझे बताओ जितने भी ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे उसमें राइट हैंडेड रहेगा या लेफ्ट हैंडेड रहेगा, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपने, मदर इज राइट राइट या डेक्स्ट्रल कॉइलिंग दिखा रहे। तो जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग है वो लेफ्ट हैंडेड होने चाहिए, राइट हैंडेड होने चाहिए, राइट कॉलिंग होना चाहिए, डेक्स्ट्रल कॉलिंग होना चाहिए, सिनेस्ट्रल कॉलिंग यस, बता सकता कोई? तो मदर इज डिसाइडिंग, मदर का जीनोटाइप इज डिसाइडिंग, ध्यान से देखो मदर का जीनोटाइप इज डिसाइडिंग फिनोटाइप ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ठीक है। तो इधर डेक्स्ट्रल हाँ तो मदर का जीनोटाइप क्या है, डेक्स्ट्रल है ठीक है, कैपिटल डी इज डोमिनेंट ओके। तो सारे के सारे जीनोटाइप, एक मिनट, सारे के सारे जो उसके क्या बोलेंगे कि उसके प्रोजेनी रहेंगे उस सारे के सारे राइट हैं राइट,
राइट, इधर ये राइट है। देखो इसका देखो जीनोटाइप, देखो स्मॉल डी है, होमोजाइगस है, फिर भी उसका फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय मदर, दिख रहा है आपको? ये इम्पोर्टेंट है, देखा ये वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। तो ये सारे कैपिटल डी है तो राइट होना ही चाहिए, बट ये स्मॉल डी है राइट। एंड देन टू इसका जो फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय मदर, एंड मदर का ऑब्वियसली कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, इसलिए ये राइट कॉइलिंग है, मतलब ये टेक्सचुअल कॉइलिंग है। ठीक है, यस समझा? ये यस सर, पक्का सबको समझो? अच्छा ठीक है, अभी मैं इसका, अगर ये फीमेल है ठीक है, इसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग रहेगा राइट, इसका नेक्स्ट ऑफ, अगर इसको मैं बोलूँ कि डी इंटू डी ठीक है, मेल भी एंड फीमेल भी ऐसा रहेगा, तो क्या होना चाहिए अभी? क्योंकि ये आप बोलोगे कि राइट हैंडेड डेक्सटल कॉइलिंग है, तो इसका नेक्स्ट जनरेशन भी डेक्सटल कॉइलिंग होना चाहिए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये देखो ये, क्योंकि जीनोटाइप पे डिपेंड कर रहा है, ना कि फिनोटाइप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जीनोटाइप ऑफ मदर इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, समझ रहे हैं? यस नो? यस सर सबको समझा? जीनोटाइप ऑफ मदर इज डिसाइडिंग फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, समझा? इजी है, बहुत इजी, एकदम इजी। ठीक है चलो, अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया, अभी इधर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अभी हम लोग ने इधर डेक्सटल को, मदर को आर रखा था और फादर को लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रखा था, ठीक है, हैंड हेलिक्स बोल रहे हैं, TNAR, ओके कॉइलिंग। ठीक है, अभी रिवर्स भी कर लेते हैं, कभी भी क्या होता है कि आपको चेंज करके भी देखना चाहिए कि उसमें कोई इफेक्ट तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या हुआ, मदर को सिनिस्ट्रल कॉइलिंग रखा है, ठीक है, वैसे चूज किया हुआ है, फादर को राइट हैंडेड, अब क्या होना चाहिए बताओ मुझे? सिनेस्ट्रल सारे के सारे, सारे के सारे सिनेस्ट्रल होने, होना बट इधर आपके ऑफस्प्रिंग तो उनके पास ऐसा है, किसी के पास ऐसा भी है, सिनेस्ट्रल होना चाहिए चाहिए। यस सर, यस पक्का? तो इधर देखो ऑब्वियसली, अभी देखो डी डी आया, अभी इसका सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा? अब बताओ मुझे, इसका ऑफस्प्रिंग इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, ये अब परफेक्टली अपराइट हुए, अभी इसका सेल्फिंग हुआ तो क्या होगा? ये अगर ये फीमेल है, यस, इधर इम्पोर्टेंट है, इधर मजा आएगा। यस कौन बताएगा? अर्पना बताएगी, रितिका, एक्स्ट्रल सारे के सारे डेक्सट्रल होंगे, ऋतुजा, डेक्स्ट्रल होंगे। सारे के सारे, प्रीतम है क्या? हाँ सर, पक्का? सो अब देखो, आप ये लेफ्ट हैंडेड था, इसका प्रोजेनी भी लेफ्ट हैंडेड है, ओके ये प्रोजेनी भी लेफ्ट हैंडेड है, बट ये देखो अभी फिनोटाइप के कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है, बेसिकली हेट्रोजाइगस है। अभी इसके सेल्फिंग करेंगे तो सारे के सारे फिनोटाइप राइट वाले रहेंगे, इंस राइट राइट ओके, या डेक्सटल कॉइलिंग वाले हैं, इवन इफ स्मॉल डी बराबर, समझा? तो फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप ऑफ मदर, जीनोटाइप ऑफ मदर। अभी फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं सेल्फिंग करता हूँ, ठीक है,
ठीक है, इसका सेल्फिंग करता हो तो क्या होगा? सिनिस्टर हाँ सिनिस्ट्रल, राइट, सिनिस्ट्रल रहेगा ये, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, सॉरी, राइट, सिनिस्ट्रल रहेगा, इजी, यस और नो, समझा? इजी है कि नहीं? इतना उधर क्या बोलते हैं, आपका थ्योरी पढ़ने से पहले डायरेक्टली मैंने डायग्राम पे फोकस किया, आपको समझ गया, राइट? इजी है कि नहीं? होपफुली ये समझ में आ रहा है कि डायग्राम से बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा वही दिया हुआ है, ओके? अभी इधर F2 F3 जनरेशन जो भी है आप पढ़ लेना, मैंने पूरा का पूरा डायग्राम से एक बार में बता दिया, ठीक है? अब जो इधर आ जाते हैं मेन, ये लेफ्ट एंड राइट क्यों हो रहा है ना? आप भी बोलोगे कॉइलिंग राइट या लेफ्ट में क्यों हो रहा है? एंड ये होता है ओरिएंटेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल की वजह से हो रहा है, ओके? और ये कब डिसाइड होता है? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में ही डिसाइड हो जाता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में, और वो कभी होगा? ऑब्वियसली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन में पटक से आ जाएगा, पता चल जाएगा कि राइट हैंडेड रहेगा कॉइलिंग या लेफ्ट हैंड लेफ्ट कॉइलिंग रहेगा, सिनेस्टर कॉइलिंग रहेगा, ठीक है? और ऑब्वियसली ये ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए कौन है? तो मदर डिसाइड करते हैं, मदर इनकोड्स प्रोटेक्ट्स, और प्रोडक्ट ऑब्वियसली जीनोटाइप पे डिपेंड करता है ना कि उसके फिनोटाइप पे, ठीक है? तो मदर ऐसे प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली जीनोटाइपिक जीनोटाइप एक्सप्रेस जीन एक्सप्रेशन जो प्रोडक्ट्स है एक्सप्रेस करने से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो उस साइट में जाके बैठ जाता है, मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है? और यही आपका माइटोटिक स्पिंडल के ओरिएंटेशन को, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होगा या सिनेस्ट्रल कॉइलिंग होगा, वो आपके माइटोटिक स्पिंडल से आता है। एंड माइटोटिक स्पिंडल्स किससे इफेक्ट होते हैं? मदर के प्रोटीन से इफेक्ट होता है, ठीक है? उस हिसाब से आपका सेल का क्लीवेज होगा, ठीक है? समझ रहे? यस नो? ओके, यस सर, तो सम प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स का नाम नहीं दिया है, सम प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग ओरिएंटेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है? तो राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन जीनोटाइप ऑफ मदर, ओके? अब आप बोलोगे कि अगर फॉर एग्जांपल जीनोटाइप ऑफ मदर इज डी एंड डैश, मतलब क्या उसमें स्मॉल डी है ही नहीं, ओके? बट कैपिटल डी तो है, तो ऑब्वियसली इधर क्या हो जाएगा? इंडक्शनल कॉइलिंग होगा, ओके? अब आप बोलोगे कि अगर स्मॉल डी रहेगा तो क्या होगा? ये ऐसे डज नॉट प्रोड्यूस अ जीन प्रोडक्ट, ठीक है? और यह प्रोडक्ट हो सकते हैं नॉन फंक्शनल हो, जिसके वजह से इंस्टेड ऑफ राइट कॉइलिंग डेक्स्ट्रल कॉइलिंग वो कॉइल ही ना करे तो वो लेफ्ट कॉइल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो यह डिफॉल्ट मोड में आपका सिनेस्ट्रल कॉइलिंग होता है, डिफॉल्ट मोड में। एंड अगर ये रहेगा कैपिटल डी रहेगा तो वो उसका मोड डेक्स्ट्रल या राइट राइट साइड में वो मुड़ जाता, ठीक है? ओके, सो मेटरनल इफेक्ट इज आल्सो सीन इन सर्टेन जीन इन्वॉल्विंग एक्सेस फॉर्मेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये भी हम लोगों ने देखा है ना, एक्सेस फॉर्मेशन डॉर्सल वेंट्रल हो गया या आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हो गया, ओके? ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर, यस नो बता दो मुझे, यस सर, यस सर, ओके?